हाय गाइस, मेरा नाम मनाना। दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जो स्पीड ड्रम सीपीयू को बिना किसी बॉक्स के उसका एफआरपी अनलॉक करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिना किसी बॉक्स के एफआरपी अनलॉक करना जानते हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें, और अगर आप नहीं जानते हैं बिना किसी बॉक्स के एफआरपी अनलॉक करना तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फास्ट बूट रीसेट टूल की जो लिंक है और मिरेकल क्रैक की जो लिंक है, इसे मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे हाथ में जो माइक्रोमैक्स का Q381 मॉडल है और इसमें FRP लॉक है, और इसका FRP लॉक हमें अनलॉक करना है बिना किसी बॉक्स के। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिना किसी बॉक्स के आपको FRP अनलॉक करने के लिए आपको सबसे पहले जो FRP टूल है उसे आपको इंटरनेट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस टूल का जो नाम है वो है एंड्रॉयड फास्ट बूट टूल, ठीक है। इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा नेट से, और उसके बाद आप आसानी से किसी भी स्पीड रैम सीपीयू का जो FRP आसानी से अनलॉक कर सकेंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी का मोबाइल हो उससे मतलब नहीं है। अगर उसका जो IC है, सीपीयू है, अगर स्पीड रैम सीपीयू है तो आप उसका FRP आसानी से उस टूल से आप अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो वो एंड्रॉयड फास्ट बूट टूल है पहले से ही मेरे पास मैंने डाउनलोड करके रखा है अपने सिस्टम में, और उस टूल के जरिए मैं आपको यहाँ पे अभी इस मोबाइल का जो है FRP अनलॉक करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका जो FRP अनलॉक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जिस मोबाइल में भी FRP लॉक होता है तो उसका जो यहाँ पे जो स्कीप का जो ऑप्शन होता है वो वर्क नहीं करता, ठीक है। वो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा और आप इससे आगे जो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो FRP लॉक, और ये FRP लॉक कैसे लगता है कि ये जो गूगल ID से आप जीमेल ID से लॉगिन करेंगे किसी मोबाइल में तो इसका जो FRP लॉक उस मोबाइल में लगता है। जब उसका फैक्ट्री रीसेट होता है तो मोबाइल में जो है FRP लॉक लगता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि FRP अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में बैटरी लगा के उसका जो पावर बटन है और उसका वॉल्यूम प्लस है दोनों को आपको एक साथ प्रेस करना है। जैसे आप एक साथ प्रेस करेंगे तो इसमें जो कुछ मूट आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे का ऑप्शन है, और इनमें से आपको जो यहाँ पे जो बूट लोडर का ऑप्शन है, बूट लोडर के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है पावर बटन से, ठीक है। उसके बाद इसमें डाटा केबल लगाना है और अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना है। उसके बाद उसे आपको इसके बाद आपको जो है वो FRP टूल जो है उसे आपको ओपन कर देना है अपने सिस्टम में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसे फास्ट बूट मोड पे मैं ले आया हूँ इस मोबाइल को। अब इसमें जो डाटा केबल मैं कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर में जो है इसे कनेक्ट कर दूंगा, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मैंने FRP टूल पहले से डाउनलोड कर रखा है अपने सिस्टम में, और इसे FRP टूल को मुझे ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम अपने इस FRP टूल को जो है ओपन कर लेते हैं अपने सिस्टम में। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप इस FRP टूल को ओपन करेंगे तो आपका जो एंटीवायरस होगा आपके सिस्टम में उसे आपको जो है डिसेबल कर देना है, ठीक है। क्योंकि एंटीवायरस आपको डिसेबल करना ही होगा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसमें जो काफ़ी वायरस होता है, तो ये एंटीवायरस अगर आपका जो है इनेबल रहेगा तो ये जो है इरेज, आप जब इसे ओपन करेंगे आप इस FRP टूल को, ये ओपन नहीं हो पाएगा बल्कि वो एंटीवायरस इस सॉफ्टवेयर को खा जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी FRP टूल ओपन करना है तो पहले अपना जो सिस्टम में जो आपके सिस्टम में जो एंटीवायरस है उसे डिसेबल कर देना है। और दोस्तों, एक बात आपको मैं और बता दूं कि इस जो FRP टूल में जो है एक ADB ड्राइवर है, EX फाइल, ठीक है। इसे आपको ओपन करके डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में, ताकि आपका मोबाइल का जो फास्ट बूट मोड है वो आपका जो आपके कंप्यूटर से आपका मोबाइल जो है कनेक्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉयड फास्ट बूट टूल पर आपको डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो टूल है ये ओपन हो चुका है। इसी टूल से जो हम आप किसी भी स्पीड ड्रम सीपीयू का, किसी भी मोबाइल का जो है FRP अनलॉक कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का मोबाइल हो। अगर उसमें स्पीड ड्रम सीपीयू है तो उस मोबाइल का जो FRP हम आसानी से अनलॉक कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे मैं एक तरफ आपको FRP टूल दिखा रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं अपने माई कंप्यूटर से अपना जो डिवाइस मैनेजर है उसमें मैं जा रहा हूँ और डिवाइस मैनेजर में आपको दिखाना चाहूँगा कि आप जब भी अपना मोबाइल कनेक्ट करेंगे डिवाइस मैनेजर से तो आपको यहाँ देख लेना है कि आपका जो मोबाइल है वो डिवाइस मैनेजर से कनेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस दिखाना चाहिए तभी आपका मोबाइल का जो FRP अनलॉक हो पाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो मैंने डिवाइस मैनेजर आपको दिखा रहा हूँ और एक तरफ जो है मैं आपको FRP टूल दिखा रहा हूँ जिस FRP टूल से हमें मोबाइल को जो है अनलॉक करना है, उसका FRP लॉक हमें अनलॉक करना है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइस मैनेजर में जो हमारा मोबाइल जिसे हमने फास्ट बूट में किया था उसमें डाटा केबल लगा के अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। तो जब कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जो वो मोबाइल का जो है एंड्रॉयड डिवाइस यहाँ ऊपर में दिखाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जिस मोबाइल को मैंने फास्ट बूट में लाया था उस मोबाइल में डाटा केबल लगा के हम इसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर डाटा केबल लगाया तो यहाँ पे हमारे डिवाइस मैनेजर में जो है परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस दिखा रहा है, ठीक है। जब एंड्रॉयड डिवाइस यहाँ पे दिखाएगा तो उसके बाद जो है तभी हम इसका FRP अनलॉक कर सकेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं दोस्तों कि FRP टूल में जो यहाँ पे जो नंबर बाय नंबर दिया हुआ है, सीरियल बाय सीरियल है कि किस नंबर पर कौन से मोबाइल का जो FRP हम अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं दोस्तों कि FRP जो स्पीड ड्रम, ठीक है। तो स्पीड ड्रम कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है। तो 9 नंबर आपको नीचे में यहाँ पर टाइप करना होगा। चलिए हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पे 9 नंबर जो है टाइप कर देते हैं, उसके बाद हमें जो है अपने कीबोर्ड पर इंटर दबाना है। जैसे हम इंटर दबाएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो FRP अनलॉक हो चुका है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि FRP अनलॉक हो चुका है और हमारे डिवाइस मैनेजर में भी जो है परिवर्तन हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा मोबाइल जो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा और हम अपने मोबाइल को जब ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप ये फिर इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आप नेक्स्ट करें, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा था, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी जो है स्मार्टफोन का जो स्पीड ड्रम CPU होगा उसका हम FRP आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी देख सके और सीख सके। और आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।